जब आपने बोले थे जो अपने अपना घर जाने के बाद फिर भी देवी के भाव से रहना चाहिए, उसी टाइम पे तो क्या कहे वो राजराजेश्वरी का कुछ सूत्र था देवी का, राजराजेश्वरी देवी का कुछ सूत्र था, तो वही मैंने सुनकर यानी 12 बजे के बाद सुने लगा। मगर एक ऐसा टाइम आया लगभग 3 बजे के आसपास होगा, टाइम मेरे को मालूम नहीं है, मगर राइट साइड से जो कल मिल रहा था वही झलक फिर से आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं नींद में हूँ, इसलिए मैं अपनों को जगाने की कोशिश कर रहा था, तो देखा तो मैं नींद में तो नहीं हूँ, मैं जगे हुए हूँ, मगर वो आँख खुलने के समय डर लग रहा था, मैं आँख नहीं खुल पाया, मगर वो रश्मि का झलक हर वक्त दिखाई दे रहा था। अब जैसे कि इनको रात में प्रेजेंस और रोशनी दिखाई दी, तो ये बहुत संभव है कि ऐसा हो। हम लोगों को देखिए स्पिरिचुअल साधना में मेरा बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है कि दो लेवल से चलना चाहिए। एक तो किसी सुपरस्टिशन में हमें बिलीव नहीं करना है, और दूसरा किसी चीज़ को एकदम से इनकार भी नहीं करना है, वो भी एक किस्म का सुपरस्टिशन है। जैसे एक सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास व्यक्ति का, हर चीज़ में बिलीव करता है, नहीं ये भी सही ये भी सही, और एक जिस अपने को बड़ा रैशनलिस्ट कहता है, तर्कशास्त्री कहता है, वो खोज भी नहीं करता ना उसके फिनोमेना में जाने में, बस नहीं गलत है या तो गलत ही है, ये गलत ही है, तो वो भी एक किस्म का सुपरस्टिशन है रैशनलिज्म, और एक ये वाला। लेकिन जो ट्रू स्पिरिचुअल वे है वो बीच का रास्ता है। हम जानने की कोशिश करते हैं, और ज़िंदगी इतनी सीधी सरल है नहीं, तो हो सकती हैं बहुत सारी प्रेजेंस हो सकती हैं कई बार, उनमें यकीन करना चाहिए। और डर की जहाँ तक बात है, ये एक ह्यूमन रिस्पॉन्स है कि ये हो सकता है, होता है, लेकिन एक मेडिटेटर को धीरे धीरे अपने आप को ऐसा सजेशन देके ऐसा मैच्योर करना चाहिए, और वो सजेशन ही है अपने मन को रोज़ अगर आप ये बताएंगे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप गुरु की शरण में हैं, आप अपनी साधना के पथ पर हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, तो कोई भी हार्म तो हो नहीं सकता। ये है कि अननोन चीज़ है, तो अननोन चीज़ से थोड़ा वो एंग्जाइटी लगती है, तो उसका आमने सामना करना चाहिए। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे लिए प्रत्यक्ष भी हो सकती हैं, जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और ज़िंदगी में बहुत सारे रहस्य हैं। ज़िंदगी कोई इतनी आसान नहीं है या सपाट नहीं है, जिसको लोग समझते हैं कि सब सपाट है, जो हमको दिखता है वैसा ही है, जो नहीं दिखता वैसा नहीं है। अब योगानंद जी ने किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी, उसमें इतनी बातें उन्होंने लिखी, पहली नज़र में किसी को पढ़ के वो लगता है एक हॉलीवुड की फैंटेसी फिल्म है, लेकिन फिर जब किसी को अनुभव होता है तो उसको लगता है नहीं नहीं बात तो होती है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे फिनोमिना पॉसिबल हैं। मेरी अप्रोच इन मामलों में देखिए इसीलिए बहुत बैलेंस्ड है, क्योंकि जिस काम में रैशनलिस्ट लोग लगे हैं, तर्कवादी, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, वो ज़िंदगी मैं जी चुका हूँ अपने वक्त में, अपनी टीन एज और बिल्कुल अर्ली यंग एज में, मैं उतना ही रैशनलिस्ट, उतना ही नास्तिक, उतना ही एथिस्ट, किसी चीज़ में विश्वास ना करने वाला, हर चीज़ पर प्रश्न खड़े करने वाला, लेकिन फिर डायरेक्ट अपने एक्सपीरियंसेस से जब चीज़ें मेरे सामने आई सीधे, तो अप्रोच मेरी ये भी हुई कि इतना भी व्यक्ति को अपने तर्क में नहीं उलझना चाहिए कि हम उनको भी इनकार करें, तो वो भी एक दुनिया है। तो मैं जब कहता हूँ कि हैं, तो उन चीज़ों को पूरी तरह से हर तरफ से झकझोर के देखने के बाद, तो ये 100% सत्य है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, वो होती हैं, प्रेजेंस होती है हमारे आसपास, हमको गाइड भी करती है और कभी कभी हमसे सहायता भी लेती है, कई चीज़ें होती हैं। कोई कोई बात मनवा नहीं सकता मुझको। मैंने सुना है विवेकानंद जी का भी एक बीच यही हाल था, वो भी किसी चीज़ को नहीं मानते थे, और फिर देखा जाए लोगों को लगता है विवेकानंद जी बड़े तर्कवादी और बुद्धिवादी थे, लेकिन विवेकानंद जी भक्त थे, रामकृष्ण परमहंस देव के इतने वो भक्त थे, जितना बड़ा भक्त होना किसी के लिए मुश्किल है।
गहरी भक्ति में, क्योंकि उन्होंने जब अपने सामने चीज़ें देखी तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उस साक्षात्कार से चीज़ें बदली। डीज हैं, उनकी शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं, तो कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बहुत सिद्ध है या कोई बहुत पहुँचा हुआ है तो उनकी जो प्रेजेंस की पावर है वो कम होगी। वो पावर उतनी ट्रेमेंडस होगी, इसीलिए उनके प्रति हमेशा श्रद्धा और उसी का भाव रखा गया भारत में हमेशा। आप गुरु भी हैं अगर और प्रेजेंस होगी तो उस प्रेजेंस में फोर्स उतना ही होगा, पावर उतनी ही होगी, उसमें कमी नहीं होगी।